भारत में यूपीआई ने तेजी से अपनी जगह बनाई है और पेमेंट करने का ये सुविधाजनक साधन अब पूरे देश में भी फैल चुका है। इसके अलावा अब दुनिया के कई देश भी इस सिस्टम को अपनाते जा रहे हैं। हर महीने तेजी से यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं और इससे लोगों द्वारा कैश का इस्तेमाल तेजी से कम हो गया है। लेकिन अब एक नए सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है और सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगाई जाती है तो लोग इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। क्या कुछ पूरी खबर है, चलिए जान लेते हैं वीडियो में। दरअसल लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया है कि लोगों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह की कोई फीस बर्दाश्त नहीं है। सर्वे से पता चला है कि करीब 37% लोग अपने कुल खर्च का 50% यूपीआई के जरिए ही कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी कम हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 22% लोग ही यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस चुकाने को तैयार हैं, लेकिन 75% से ज्यादा इसके सख्त खिलाफ हैं। इस सर्वे में 308 जिलों के करीब 42,000 लोगों से सवाल किए गए थे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में 57% और लेन देन की रकम में 44% का उछाल आया है। पहली बार UPI ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 131 बिलियन को पार कर गया है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में यह आंकड़ा 84 अरब रहा था। वैल्यू के हिसाब से देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आंकड़ा 199.89 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 139.1 ट्रिलियन रुपीस था। यह सर्वे 15 जुलाई से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन किया गया था। सर्वे के मुताबिक यूपीआई तेजी से हर 10 में से 4 यूजर्स की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। वो किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। लोकल सर्कल्स ने कहा है कि वो सर्वे के रिजल्ट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI को भी सौंप देंगे। वेल, आपको क्या लगता है कि अगर UPI पर फीस लगा दी जाती है तो क्या आप इसका इस्तेमाल बंद करते हैं, या आप UPI पर फीस लगाए जाने वाले कदम को अगर फ्यूचर में लगता है आप उसको सही मानते हैं। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.